हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? ओके, आप सब ठीक हैं? आपने प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर लिया है? अच्छा, ये बताइए, आप लर्निंग वर्क भी कर रहे हैं साथ साथ या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो आप जितना भी रिटन वर्क कर रहे हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपको लर्न करना है, लर्न करके आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है. ओके, आज मैम आपको जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है मैम आपके लिए, वो है हमारी हिंदी व्याकरण बुक से लेसन नंबर 9, विशेषण. विशेषण मतलब एडजेक्टिव, आपने लर्न भी किए होंगे. तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करें. उसके लिए आपको अपनी बुक ओपन करनी है. आओ व्याकरण सीखें. यहाँ पर देखिए मैम ने ऊपर पेज भी ओपन करके रखा आप सबके लिए. ओके, तो यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर एप्पल भी है, सेब है, और घोड़े का पिक्चर है, कुतुब मीनार है, और ये पेन भी है. तो विशेषण का इससे क्या कॉन्टेक्ट है, क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, बताएं मैम अब आपको. तो यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे सेब मीठा है, ठीक है, सेब है, आप सबको पता है सेब क्या है, फ्रूट है. लेकिन विशेषण इसकी क्वालिटी क्या है कि ये मीठा है. यहाँ पर यह घोड़ा है, अब ये घोड़ा है पता है सबको, लेकिन यह काला घोड़ा है. इसकी क्वालिटी ये है कि ये ब्लैक कलर का है, ठीक है. उसके बाद है ये पांच कलमें हैं. अब कलम तो दिख रही है आपको, ये भी कलम है, ये भी कलम है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब कलम है. लेकिन ये कितनी है, पांच है, पांच है. तो पांच से भी इनकी क्वालिटी पता चल रही है कि कितनी है, ये पांच है. उसके बाद ये कुतुब मीनार है, सबको दिख रहा है कि कुतुब मीनार है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, कुतुब मीनार ऊंची है. ये देखिए कितनी ऊंची है, ओ माय गॉड, है ना. तो यहाँ पर ऊंची जो शब्द है वो क्वालिटी हो गई, विशेषता बता रहे हैं वो कुतुब मीनार की. यहाँ पर सेब है, लेकिन जो मीठा है उससे क्या पता चल रहा है, वो जो मीठा शब्द है वो सेब की क्वालिटी बता रहा है कि ये वाकई बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, मीठा है, है ना. अब घोड़ा है, लेकिन आपको पता है ये घोड़ा काले रंग का है. तो हम ऐसे भी बात करते हैं ना, अरे आपको पता है ये तो घोड़ा है लेकिन ये काले रंग का है. और मेरे पास पेन है, लेकिन पता है मेरे पास कितने पेन है, पांच पेन है. हम ऐसे बोलते भी है, है ना. तो उनसे क्या पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है, इनकी विशेषता का पता चलता है. अब कुतुब मीनार है सबको पता है, लेकिन कुतुब मीनार ऊंची है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये ऊंची है. तो सबको देखने में भी हैरानी होती है ना. ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में मीठा शब्द सेब की, काला शब्द घोड़े की, पांच शब्द कलमों की, तथा ऊंची शब्द कुतुब मीनार की विशेषता बता रहे हैं. इस प्रकार जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं, जो शब्द, चाहे वो शब्द संज्ञा हो, चाहे वो शब्द सर्वनाम हो, वो जो शब्द विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं. यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. जैसे मीठा, ये क्या है, विशेषण है. अब विशेष्य क्या है, जो मीठा शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, सेब की बता रहे हैं ना. तो ये जो सेब है ये विशेष्य है. काला क्या है, विशेषण है, क्वालिटी है. लेकिन जो काला है वो किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, घोड़े की बता रहे हैं ना. तो इसमें जो घोड़ा शब्द है वो विशेष्य है. पांच कलमें, अब पांच आपको पता है ये विशेषण है, लेकिन पांच क्या है, कलमें, कलमों की हम क्वालिटी बता रहे हैं. तो जो कलमें शब्द है वो विशेष्य है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आइए. यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष्य, जैसे नई साइकिल, जैसे मैम यहाँ पर लिख रही है
जैसे मैम ने यहाँ पे लिख दिया नई साइकिल। अब आपको पता है साइकिल तो कॉमन चीज है, देखते ही हैं हम सब, है ना, लेकिन वो नई है तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसकी विशेषता क्या हो गई, नई। जो नई है वो है विशेषता, और जो विशेषता हम किसकी बता रहे हैं, साइकिल की बता रहे हैं, तो साइकिल क्या है, विशेष्य, विशेष्य, ठीक है। अब जैसे आप एक ले लीजिए हरी घास, ठीक है, मैम ने एक और एग्जांपल ले लिया जैसे हरी घास। अब घास तो नॉर्मली आप सब देखते ही हैं, कहीं भी फील्ड में होती है, ग्राउंड में कहीं भी लगी होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, वो हरे रंग की है। अब हरे रंग की क्या है, घास है। जो हम क्वालिटी बता रहे हैं वो किसकी बता रहे हैं, घास की बता रहे हैं ना, तो जो घास है वो विशेष्य है। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे नई साइकिल, तो जो नई है वो विशेषण है, क्वालिटी बता रहे हैं, लेकिन किसकी बता रहे हैं, साइकिल की बता रहे हैं, तो साइकिल विशेष है। पीली स्कर्ट, स्कर्ट है लेकिन वो येलो कलर की है, पीले रंग की है, तो वो विशेषण है और स्कर्ट विशेष है। ऊंची मीनार, मीनार है लेकिन ऊंची है, तो जो ऊंची है वो क्वालिटी है, विशेषण है और मीनार विशेष है। हरी घास, थोड़ा पानी, पानी है लेकिन वो थोड़ा है, तो वो विशेषता हो गई। 10 रुपए, अब रुपए हैं, रुपए तो बहुत सारे होते हैं, 5 रुपए भी होते हैं, 100 रुपए भी होते हैं, 500 भी होते हैं, 1000 रुपए भी होते हैं, 2000 भी होते हैं, तो रुपए हैं लेकिन कितने हैं, 10 नंबर दिया हुआ है, तो ये क्वालिटी हो गई। ओके, अब देखिए मैम ने जैसे बताया हर डेफिनेशन के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, है ना, काइंड्स होते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, 4 भेद है। कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पर है गुणवाचक, तो गुणवाचक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोषों का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक कहते हैं, यानी क्वालिटी भी बताते हैं और आपकी नेगेटिविटी भी बताते हैं, क्वालिटीज भी बताएंगे, तो जैसे आपके गुण भी बताए, आपके दोष भी बताए, तो ये कितने, ये अनेक प्रकार के होते हैं गुण दोष बताने वाले, जैसे अच्छा, आप अच्छे लड़के हो, तो मैम ने क्वालिटी बताई, आप बुरे लड़के हो, तो मैम ने क्या बताया, आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट बताया ना, पहले पॉजिटिव बता दिया, अब नेगेटिव बताया, है ना, आप वीर हो, आप ईमानदार हो, तो मैम ने क्या बताया, क्वालिटी बताई है ना, और आप कायर हो, यानी आप डरपोक हो, तो मैम ने आपका नेगेटिव पॉइंट बता दिया, तो इसमें गुण भी बताएंगे और दोष भी बताते हैं। रंग रूप बताने वाले, जैसे गोरा, काला, सांवला, आकार बताते हैं, गोल है, बड़ा है, जैसे यहाँ ऊपर ऊपर बताया था ना कि मीनार है लेकिन ऊंची है। उसके बाद स्वाद बताने वाले, स्वाद भी बताते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, और काल बताने वाले, काल मतलब टाइम भी बताते हैं, नया है, पुराना है, मासिक है या वार्षिक है, वार्षिक जो ईयरली होता है, मासिक मतलब जो मंथली होता है। अब दूसरा है, पहला गुणवाचक विशेषण हो गया इसका, दूसरा हो गया संख्यावाचक। अब संख्या से ही पता चल रहा है, नंबर्स हैं, तो जो भी नंबर्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये संख्यावाचक विशेषण है, तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक कहते हैं, जैसे 2, 5, 10, पहला, पांचवा, दोनों, चारों, सभी, कुछ, अनेक, कुछ मतलब थोड़े से हो गए, अनेक मतलब बहुत सारे हो गए, तो नंबर्स पता चल रहे हैं ना इससे, ये ज़्यादा है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद है परिमाणवाचक, इसमें नापतोल बताया जाता है, क्वांटिटी बताई जाती है, संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक कहते हैं, जैसे 5 किलो, हम दूध लेते हैं 5 किलो, तभी हम कहते हैं ना दाल लेनी है 5 किलो, चावल लेने हैं 5 किलो, नापतोल कर रहे हैं, 10 लीटर दूध ले रहे हैं, 25 किलोमीटर, अगर कोई भाग रहा है आपको कहना है 25 किलोमीटर जाना है या 30 किलोमीटर जाना है,
थोड़ा दूध, क्या बता रहा है, नापतोल बता रहा है कि हमें थोड़ा दूध चाहिए। कुछ फूल यानी कि थोड़े से चाहिए, तो नापतोल इसमें बताई जा रही है। उसके बाद है संकेत वाचक, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कुछ इशारे वाली चीज़ पता चलने वाली है कि किसी की ओर संकेत करने वाले या विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनामों को संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब, यह किताब, अब मैम किसकी तरफ संकेत कर रही है, इसी की तरफ ना, यह किताब, यह बोर्ड है ना, यह पेन, तो हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और कहीं यहाँ आपको दिख रही है बुक, कोई पेन दिख रहा है, नहीं मैम सिर्फ इसी को इशारा कर रही है, यह पेन, यह किताब, यह बोर्ड या यह स्क्रीन, वह स्कूल, ये कलम, वे पेड़ है ना, हम इशारे करके बताते हैं वे पेड़, ये ऐसा, फिंगर्स भी हम बताते हैं, फिंगर्स भी शो करते हैं। तो किसी की ओर संकेत करने वाले या विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनामों को संकेत वाचन विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब, वह स्कूल, ये कलम, वे पेड़ आदि। तो इसमें विशेषण कितने हो गए, चार प्रकार के हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और संकेतवाचक। खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, स्वाद बताने वाले शब्द विशेषण हैं। खट्टे से क्या पता चल रहा है, कोई टेस्ट है ना, और कड़वे से अगर आपने कोई टेस्ट किया तभी तो आपको पता चलेगा कड़वा है, अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। अब मेडिसिन कड़वी होती है यानी आपने टेस्ट की है, अगर नहीं टेस्ट करोगे तो कैसे पता चलेगा। चॉकलेट है, आपने टेस्ट की है तभी आपको पता चलता है मीठी है ना। तो बेटा अब ये यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है, एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई है, चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। चैप्टर तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क। तब तक आप एक बार घर पर अच्छे से इस चैप्टर को रीड कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू लेटर।